हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6, जो आपको यहां पर भरने के लिए दी गई है 2024-25 में। ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है जिसमें हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। यदि आपने पिछला नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको बुक दी गई है, ये आपको भरने के लिए दी गई है 2024-25 में। तो आइए शुरू करते हैं इसका सेकेंड लेफ्ट चैप्टर। यहाँ पर जो दिया गया आपका लेसन में है आपका सेकंड, और द स्विंग इसका नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र दिया गया है, एक बच्चा झूल रहा है यहाँ पर। तो पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाट टेक्स द चाइल्ड अप इन द एयर, यानी क्या बच्चे को हवा में ले जाता है ऊपर। ऑप्शन पहला है क्लाउड, दूसरा स्विंग, तीसरा गार्डन, चौथा आपका है ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विंग, यानी झूला बच्चे को ऊपर हवा में ले जाता है। दूसरा क्वेश्चन है द चाइल्ड सीज रिवर्स ट्रीज एंड कैटल्स, यानी बच्चे को ये चीज़ें कब दिखाई देती हैं, नदी, पेड़ और यहाँ पर मवेशी। तो ऑप्शन पहला है व्हेन ही इज स्लीपिंग, व्हेन ही इज स्टडिंग, व्हेन ही इज अप इन द एयर, व्हेन ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वह हवा में जाता है। अगला दिया है तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिखा है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द स्विंग, यानी इस कविता के लेखक कौन है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी आंसर नंबर रॉबर्ट लुइस। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा, चूज एंड राइट द राइमिंग वर्ड फॉर वाइड, यानी वाइड का आपको यहाँ पर राइमिंग शब्द चुनना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है भील, वाइल, साइड, माइल या फिर यहाँ पर हाइट। तो साइड का हो जाए अब बाइड का हो जाएगा साइड, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा, फाइंड द ऑड बर्ड एंड राइट, यानी अलग शब्द छांटिए और लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिए गए हैं पहले चार, तो इनको देख लीजिए, इनमें से आपको अलग शब्द छांटना है। तो रिवर में पानी होता है, ओशन में पानी होता है, लेक में पानी होता है, लेकिन पेड़ यहाँ पर हो जाएगा जिसे पानी की आवश्यकता होती है, तो यही हमारा अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है आपको, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको खाली स्थानों को भरना है। तो आइए शुरू करते हैं खाली स्थानों को भरना। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं खाली स्थान आपके, तो आप अच्छे से देख लीजिए पाँचों। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, पहला दिया है छठवां यहाँ पर, तो छठवें से देखेंगे आप। स्विंगिंग इज़ द थिंक दैट अ चाइल्ड कैन डू, इसके बाद है आपका आई लुक डाउन ऑन द ग्रीन, इसके बाद आठवां है स्काई इज़ ब्लू, द रूफ इज़, इसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ नैरो, नैरो का मतलब होता है यहाँ पर सकरा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइड, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इंक्लूड्स काउज एंड बफेलोज इज कॉल्ड कैटल। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर ये आंसर भरे हुए हैं। तो देखिए पहले में आपको क्या भरना है, यहाँ पर पहले में आपको भरना है प्लीजेंट टेस्ट, दूसरे में गार्डन, तीसरे में ब्राउन, चौथे में बाइड और पांच में आपका कैटल, यानी मवेशी। तो आप अच्छे से भर लीजिए। इसके बाद ग्यारहवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, यानी कविता किसके बारे में है। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। तो यह दिया है दिस लेसन इज़ अबाउट अ स्विंग, यानी यह पाठ किसके बारे में है, झूला के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्लीजेंट टेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड इन अ स्विंग, यानी बच्चे को यहाँ पर जो झूले पे है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आनंद लाती है। टू गो अप इन अ स्विंग इज़ द प्लीजेंटेस्ट, यानी बच्चे जब झूले में ऊपर की ओर उठता है तब वह सबसे आनंदमय पल होता है उसके लिए। अगला है तेरहवां क्वेश्चन, तो तेरहवां ये दिया गया है, इसको देख लेते हैं 13। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, तो इसमें क्या करना है, रीड द अबव सेंटेंस, चूज नाउन, राइट इट इन द स्पेस। तो आपको नाउन छाँट कर लिखना है। तो इसमें नाउन आपका है यहाँ पर चिल्ड्रन और यहाँ पर ग्राउंड, तो ग्राउंड और चिल्ड्रन आपका यहाँ पर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नाउन हैं आपके, तो आप यहाँ पर लिख कर इनको कंप्लीट कर लेंगे। पहली लाइन में लिखेंगे चिल्ड्रन और दूसरी में लिखेंगे ग्राउंड। इसके बाद चौदह है आपका, इसका डाउन का आपको वो लिखना अपोजिट, तो इसका हो जाएगा अप, यू पी, ये आप लिख लीजिएगा इस लाइन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो उसमें कितने लिखने हैं, दो या एक वाक्य का प्रयोग करना है। तो देखिए ये दिया गया आपका पंद्रहवा क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा है विच कलर इज़ मेंशनेड फॉर गार्डन एंड इन विच स्टेंजा, यानी
जो आपका बगीचा है उसके हर रंग के बारे में कौन से स्टेंजा में यहाँ पर बताया गया है और रंग कौन सा बताया, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रीन कलर इज मैंशनेड फोर गार्डन, यहाँ पर फोर लगा लीजिएगा बीच में गार्डन से पहले, तो फोर और कौन से स्टेंजा में बताया गया इन थर्ड स्टेंजा, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 16, तो ये दिया गया है 16वां आंसर, व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर, तो इसका लिखेंगे द चाइल्ड सीज रिवर्स ट्रीज कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड व्हेन ही इज अप इन द एयर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर 17 का देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका इन द स्टेंजा 4 द कलर ऑफ द रूफ इज ब्राउन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस, यानी चौथी जो लाइन है पंक्ति उसमें जो छत का रंग बताया है वो ब्राउन यानी भूरा है, तो आपसे पूछा गया है कि आपके छत का रंग कैसा है, तो यहाँ पर लिखेंगे द कलर ऑफ द रूफ ऑफ आवर हाउस इज वाइट, आपके जो छत का रंग है आप बता सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है वाइट, आप यहाँ पर अपने छत का रंग बता सकते हैं जैसा भी आपका यहाँ पर है। अगला है 18वां, राइट टू पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम द स्विंग, यानी आपको राइमिंग शब्द लिखने, तो पहले में लिखेंगे अगर डाउन तो दूसरा का हो जाएगा ब्राउन, दूसरे में लिखेंगे पहले साइड तो दूसरा हो जाएगा वाइट, तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है, तो 19वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है एक चित्र पेड़ 19वें चित्र में, तो इसमें आपको अच्छे से देखना है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रीअरेंज द लाइन ऑफ द लास्ट टू स्टेंजा ऑफ द पोएम इज प्रॉपर ऑर्डर, तो प्रॉपर लाइन से आपको लिखना है, इसमें शब्द दिए गए होंगे इन शब्दों को आपको लाइन से लगाना है, तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से आपको लगाना है। तो देखिए पहले आपको लिखनी है पहली लाइन, तो फर्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, अप इन द एयर एंड ओवर द बॉल, दूसरी लाइन लिखेंगे आप टिल आई कैन सी टू सी सो वाइड, तीसरा लिखेंगे रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, फिर लिखेंगे ओवर द कंट्री साइड, पाँचवा लिखेंगे टिल आई लुक डाउन ऑन द यहाँ पर गार्डन ग्रीन, छठवा लिखेंगे डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, ये हो जाएंगे आपके। इसके बाद आप सातवीं लाइन में लिखेंगे अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, इसके बाद आठवां लिखेंगे अप इन द एयर एंड डाउन, और यहाँ पर ये आपको इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा लेना है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 20, तो 20 ये दिया गया आपका, तो इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो, यानी इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो देखिए पहला क्या दिया गया आपका, पहला लिखा है आपका, तो ये छठवां दिया गया आपका, मतलब पहला दिया है गिव अ सूटेबल टाइटल, इसके बाद व्हेन लाइक टू ईटिंग, यहाँ पर ये दिए गए क्वेश्चन, तो इनके आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सभी के आंसर दिख रहे होंगे, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको सभी एडिकेट पुस्तकों के संपूर्ण हल चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 है, इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है, इसका हमें संपूर्ण हल देखना है, तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल के नाम पर दबाएंगे, तो इस चैनल के नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा होगा यहाँ पर इस लाइन में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टैब खुलकर आ जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको दिख रही होंगी। तो इनमें से जैसे मान लीजिए ये पहला आपका टैब है, ये किसने कक्षा 7 का हिंदी का है, ये कक्षा 5 का है, तो इस प्रकार से ये टैब बने हुए हैं और भी बनेंगे, ये वर्तमान में अभी इतने ही हैं और बनते जाएंगे। तो आपको क्या करना है इस पर, जैसे कि मान लीजिए हमें कक्षा 7 की हिंदी का संपूर्ण हल देखना है, तो आप इसी पर दबा देंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप दबा देंगे, तो इसमें क्या है कि इसके जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे तो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया गया है वर्तमान में, तो ये एक दिख रहा है। इसके अलावा आपके जितने भी वीडियो हैं वो पर्दे डलते रहेंगे, तो प्रत्येक दिन यहाँ पर वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आप सभी को हल देख सकते हैं।